धार्मिक स्थलों पर जाने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। वाहेगुरु जी। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और कल की पार्टी थोड़ा लेट तक चली, तो जैसे देर हो ही जाती है, सर्दियों की रात है तो रात भी जल्दी हो जाती है, लेट से सोए। और अभी सुबह के बज गए हैं 3:15 और हम जा रहे हैं बंगला साहब गुरुद्वारे दर्शन के लिए। असल में वहाँ पर सुबह 4:30 बजे से 5 बजे तक अरदास का टाइम होता है, तो उसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। मैं और मेरा बेटा ही जाएंगे। गुरुद्वारे में अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, इसलिए अंदर की वीडियो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ रास्ते की मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ठंड भी है, अभी तो बिल्कुल अंधेरा है, तो हम एग्जैक्ट 3:30 यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जाने में भी बंगला साहब तक पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हम नहा धो के मैं रेडी हूँ बिल्कुल, तो अब बस निकलने ही वाले हैं, बस कैब पहननी है। और बेटा भी उठ के नहा चुका है, रेडी है, तो हम लोग जा रहे हैं और आपको मिलते हैं फिर से। वहां से आने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। गुरु वावा, गुरु वावा, गुरु वावा, गुरु हर तन वस्त्र बाड़े दंदा, भूल सब ना दी जाने दंदा। और ये हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं और हमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिला। कोई एक आध गाड़ी आसपास से निकल जाती थी, वरना तो कोई भी नहीं। और बिल्कुल सड़कें खाली, बहुत जल्दी हम पहुंच गए हैं। ये दिल्ली का एरिया है, साइड में से मेट्रो ट्रैक ही दिखाई दे रहा है। और ये लाइटिंग रोड की, बिल्कुल इजी जल्दी निकल गए क्योंकि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। एक तो इतना मॉर्निंग का टाइम, ये अब कम से कम 4:45 के आसपास का टाइम है। दिल्ली में भी अब मिला है, कोई ऐसा नहीं है, दिल्ली में ट्रैफिक है नहीं। लोग ट्रैफिक देख लीजिए, दिल्ली में भी नहीं मिला हमें। सर्दियों के दिन है ना, तो खाली रोड थी जिसकी वजह से हम जल्दी पहुँच गए। ये रेड लाइट आ गई है, ग्रीन हो गई है, रेड लाइट है तो बिल्कुल प्रॉपर रुकना पड़ता है और रुकना ही चाहिए। रेड लाइट का मतलब यही है, भले ही रोड पर ट्रैफिक ना हो, स्पीड बढ़ते हुए आगे गाड़ी की तरफ। बहुत अच्छी थी, मतलब कोई भी रोड पर हमें अंधेरा नहीं मिला बिल्कुल भी, ट्रैफिक भी नाम मात्र हुई, कभी कोई एक गाड़ी आसपास से निकल जाती थी, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, इसलिए टाइमली पहुँच भी गए, बहुत इजी रहा पहुँचना। ये देखिए बिल्कुल कोई एक आधिकार गाड़ी आसपास से निकल गई थी, कभी कोई भी थोड़ी देर के बाद पूरी रोड खाली होती थी। इलाके में ऐसा लगा था अकेले हम ही चल रहे हैं और कोई है ही नहीं। इस तरह कहीं ना डर भी लगता है। पेड़ दोनों तरफ से इकट्ठा ऊपर निकले हुए कितने अच्छे लगते हैं।
ट्रैफिक है या नहीं है कई बार ये सोचते हैं कि ट्रैफिक नहीं है रेड लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं नहीं रुकते निकल जाते हैं कोई भी तो नहीं है लेकिन नहीं फिर भी ये देखो कहीं पर कोई नहीं मिला चल रहे हैं ऐसा लग रहा था अब रोड की साइड भी और डाउन रोड की साइड भी कोई भी नहीं है यहाँ पर बहुत थोड़ी सी गाड़ियाँ खड़ी हैं हाँ संगत तो आती है जो सुबह सुबह वापसी हो चुके हैं दर्शन करके आ चुके हैं और ये पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं बहुत अच्छी पार्किंग बनाई हुई है तो संगत थी हमें मिली है अच्छी वापस लेने करती है शुरू भी तू वापस लेकर हम वापस और ये है हम वापसी पर वापसी में फिर भी हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिखाई देना शुरू हो गया है लेकिन जब हम जा रहे थे तब तो बहुत ही कम ट्रैफिक था वापसी पर है 5:15-5:30 के आसपास का टाइम है अंधेरा अभी पूरा ही है हल्की हल्की धुंध भी है और ये गुरु नानक जी दिल्ली से ही निकल रहे हैं अभी हम चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लग दे चानण दी टकसाल है जिथे वजदान हदना जियो नानक आद जुगा जियो ये दिल्ली फरीदाबाद का जो बदरपुर बॉर्डर है वहां पर हम पहुंचे हैं अभी इस बॉर्डर पर टोल होता है टोल टैक्स देना होता है जो कि आजकल वो फास्ट टैग के थ्रू ही दिया जाता है गाड़ियां हमेशा अपनी लिमिट में ही चलानी चाहिए
क्योंकि जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं आजकल, उनमें भी आपकी स्पीड आ जाती है। और गवर्नमेंट ने वैसे भी हर रोड के लिए स्पीड की लिमिट तय की हुई है, तो हर रोड के लिए लिमिट होती है स्पीड की, तो उसी स्पीड के अंदर ही गाड़ियां चलानी चाहिए। और अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से चालान तो हो ही जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए वैसे भी गाड़ियों को लिमिट में ही चलाना चाहिए, तेज गाड़ियां नहीं चलाएं। गाड़ी में बैठे हैं तो सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाएं, मास्क अवश्य लगाएं। पहर वैराग जिया कोई अंदरे अंदर दिसदा है मैनू हर एक चीज दे वाहेगुरु वाहेगुरु लिखिया दिसदा है वाहेगुरु जी हर एक चीज दे नानक। और ये पदरपुर वाला टोल टैक्स आ चुका है। जो आवा गौण च बिख लग दे एह चिट्टे चिट्टे तारे। और हम वापस फरीदाबाद की सीमा में एंटर कर रहे हैं। ये वाला है बदरपुर बॉर्डर। वाहेगुरु जी, यहाँ से हम फरीदाबाद में हमारी एंट्री। फास्टैग होता है आजकल, तो विंडो पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा निकल जाते हैं। फरीदाबाद में एंटर कर चुके हैं। तो हम अभी अभी घर पहुंच गए हैं और सर्दी बहुत है जैसे कि, लेकिन हाँ फोग नहीं थी, धुंध बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली के रास्ते में आने और जाने में। लेकिन हाँ इस तरह की हम जैकेट्स पहन लेते हैं तो ठंड से बहुत बचाव हो जाता है। वैसे तो गाड़ी में ये बिल्कुल ठंडी और हल्की हल्की ऐसे लग रहा है गीली हो गई है, और थोड़े से ही रास्ते में जिसमें पैदल नहीं चलना पड़ा बिल्कुल भी। तो ठंड तो ज़्यादा थी, गाड़ी में ठंड नहीं लगती है एक तो, उसमें बहुत सेफ रहते हैं हम। और दूसरा गुरुद्वारे में अंदर भी जब बैठे हम आधे घंटे के लिए हम बैठे हैं तो उसमें भी गुरुद्वारे के अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। जो भी ठंड थी गाड़ी से उतर कर गुरुद्वारे तक जाने में और वापस गाड़ी तक आने में और गाड़ी से घर तक अंदर एंटर होने में, इतना ही ठंड लगती है वैसे। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है तो ठंड से बच के रहें, अपना सिर और पैर को ढक कर रखें, जुराबें जैकेट्स स्वेटर वुलन क्लॉथ्स सभी पहन कर रहें, क्योंकि ये सर्दी बहुत नुकसान कर सकती है। बच्चों को बड़ों को ख़ास तौर से इस ठंड से बचा कर रखिए। हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, ये बहुत इतनी ठंड है। आज टेम्परेचर काफ़ी कम है तो अभी मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है आज का ठंड पड़ने वाली है। 5:30 अब 5:30-6 के आसपास का टाइम है और अभी घर में एंटर ही हुए हैं, बस अब चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। तो चलिए आज का बस ये इतना ही व्लॉग था। दिन में जैसे भी समय मिलेगा तो मैं कोई व्लॉग बनाऊंगी, अदरवाइज यहीं से आपको वाहेगुरु जी बोलते हैं। तो सभी को वाहेगुरु जी, और मिलते हैं एक और अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।